प्रदेश की राजधानी रायपुर को बेचा जा रहा है, और बेचा क्यों जा रहा है? सब गोलमाल है, और आज इसी गोलमाल को लेकर के और इनकी जो नगर निगम में जो इनकी दलाली है, तो नगर निगम महापौर और कमिश्नर साहब बोलते हैं कि जब गोल बाजार बिकेगा हम चुप नहीं बैठेंगे, जहाँ तक हमको जाना पड़ेगा हम जाएंगे। प्रदेश की राजधानी रायपुर को बेचा जा रहा है, और बेचा क्यों जा रहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि राजधानी रायपुर में क्या खेल चल रहा है, क्यों यहाँ का बंदरबाड़ चल रहा है, और बीजेपी के पार्षद ये आरोप लगा रहे हैं कि राजधानी रायपुर को बेचा जा रहा है। जैसे मोदी सरकार पर ये आरोप लगाते कांग्रेस की देश को बेच रहे हैं, वैसे अब बीजेपी के पार्षद हैं वो कांग्रेस के जो महापौर है जाज ढेबर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि राजधानी रायपुर को बेचा जा रहा है। हमारे साथ नेता उपपक्ष है हमारे साथ मनोज वर्मा जी। वर्मा जी, सबसे पहले ये जानेंगे क्या रायपुर को वास्तव में बेचा जा रहा है? रायपुर शहर को बेचने का जो प्रयास किया जा रहा है उसका साफ साफ उदाहरण है। जब हम लोग विकास की बात करते हैं, हमारे वार्डों में विकास के काम के लिए फंड की बात करते हैं, तो नगर निगम महापौर और कमिश्नर साहब बोलते हैं कि जब गोल बाजार बिकेगा तब हम आपको विकास के लिए पैसा देंगे, जब जवाहर नगर बाजार बिकेगा तब हम आपको पैसा विकास के लिए देंगे। अब सुनने में आ रहा है कि डूमर तरह की बेशकीमती ज़मीनों को बेचा जा रहा है, फिर उसके बाद जो नगर निगम की हमारी पुरानी बिल्डिंग है उसको भी बेचने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या नगर निगम इतना सक्षम नहीं है कि अपने शहर में विकास कार्यों के लिए वो पैसा उपलब्ध करा सके? क्या राज्य शासन के पास पैसे नहीं है? दुनिया भर की चीज़ों को आप खरीदी कर रहे हैं, गोबर गौमूत्र खरीदना और इधर उधर न्याय में योजना में पैसा देना, तो क्या शहर का विकास जरूरी नहीं है? आप उसके लिए क्यों शहर की ज़मीनों को बेशकीमती ज़मीनों को बेचने का प्रयास कर रहे हैं? हमारी मांग है कि आप जो संपत्ति बना करके रखें आने वाले समय में फिर आप रायपुर नगर निगम में विकास के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? यदि आज आप पूरी ज़मीनों को बेच देंगे तो विकास के लिए आपके पास बचेगा क्या? तो हम चाहते हैं कि ऐसे सब ज़मीनों को ना बेचा जाए जो शहर की भूमि है, शहर की वो भूमि जो ऐतिहासिक है, नगर निगम हमारा पुराना मुख्यालय ऐतिहासिक धरोहर के रूप में उसको संवारने का प्रयास बोला गया था, लेकिन आज उसको तोड़ फोड़ करके उसको बेचने के लिए रखा जा रहा है। गोल बाजार जो ऐतिहासिक बाजार है, 100 साल से पुराना बाजार है, उसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे नगर निगम मुख्यालय के पास में धरना दे रही है। आपने कहा कि ज़मीनों को बेच रहे हैं, भूमि को बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं और किनको बेच रहे हैं ये हम जानना चाहेंगे। संस्थाओं को बेचने का प्रयास जो नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है वो जो उनकी खुद की संपत्ति है वो प्राइवेट लोगों को बेच करके वहाँ दुकान बनाने के लिए, वहाँ कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उन ज़मीनों को दिया जा रहा है। मेरा मानना है कि यदि नगर निगम की संपत्ति तो नगर निगम उसमें क्यों व्यवस्था नहीं बनाती? नगर निगम ऐसे दुकानें या कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बनाती जिसको लेकर के नगर निगम के आय बने? वो अन्य संस्थाओं को बेच करके उसमें सिर्फ पैसा कमीशनखोरी का काम और दलाली का काम कर रही है, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी। इससे नगर निगम को घाटा होगा कि फायदा होगा? नगर निगम को किस बात का फायदा होगा भाई? नगर निगम की संपत्ति आ जाती है, आप बेच देते हैं उसके पैसे को, आप 2 दिन में खर्च कर दिए, उसके बाद आने वाले दिनों में आप नगर निगम के लिए पैसे कहाँ से उपलब्ध कराएंगे? आज आप राज्य शासन से 1 रुपये मांग नहीं पाते हैं। आपने 500 करोड़ रुपये भूपेश बघेल जी से मांगा था जब आपने शपथ ग्रहण लिया था, आज तक 1 रुपये राज्य शासन से बता दें कि महापौर जी लेकर के आए हैं। शिव डहरिया जी जो मंत्री जी हैं नगरीय प्रशासन के, उनसे हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल हम लोग मिल करके गए थे कि रायपुर के शहर के विकास के लिए पैसे दीजिए, तो वो हमसे कहते हैं कि आप लोग हमारे से नेतागिरी ना करें। भाई हम लोग नेतागिरी नहीं करेंगे तो कैसे मांग करेंगे आपसे? यदि आप नगरीय प्रशासन मंत्री हैं और यदि हम आपसे मांग करते हैं कि शहर के विकास के लिए, क्या हम अपने लिए मांग रहे हैं? शहर के विकास के लिए मांग रहे हैं, उनको शहर के विकास के लिए पैसे देने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है, अन्यत्र जगहों में खर्च कर रहे हैं, अपने विधानसभा में जा करके दुनिया भर की घोषणाएँ कर रहे हैं, यहाँ पे हम भवन बनवा देंगे, यहाँ पे सड़कें बना देंगे, तो रायपुर शहर की राजधानी क्या उनके लिए नहीं दिखता? वो पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, उनको मालूम होना चाहिए, किसी एक क्षेत्र के मंत्री नहीं है। सब गोलमाल है और आज इसी गोलमाल को लेकर के और इनकी जो नगर निगम में जो इनकी दलाली है उनको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल यहाँ पे धरना दे रही है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ भाजपा के उपनेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राजधानी रायपुर को बेचा जा रहा है, यानी कि राजधानी रायपुर की वो ऐतिहासिक ज़मीन है और भूमि है जिसको नगर निगम के महापौर एजाज डबर के द्वारा बेचा जा रहा है, संस्थाओं को बेचा जा रहा है, जिसके विरोध में आज बीजेपी के जो पार्षद दल है वो राजधानी रायपुर के नगर निगम के घेराव कर रहे हैं, यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनके एक ही मांग है कि जो ये जो बंदरबाड़ चल रहे हैं, सब गोलमाल चल रहे हैं, वो तत्काल बंद हो और राजधानी रायपुर को बेचने का जो सिलसिला है वो रुकना चाहिए। चुनकर भेजती है तो उनको उम्मीद रहती है कि शहर का वो विकास करेंगे और शहर की ज़मीन की रक्षा की जाएगी, मगर यहाँ पर जैसे इसका उल्टा हो रहा है, महापौर जी ज़मीन को बेच रहे हैं और शासन तमाशा देख रही है। इसका मतलब साफ है कि नगरीय प्रशासन मंत्री और महापौर जी की मिली भगत से शहर की बड़ी ज़मीनों को, कीमती ज़मीनों को भू माफियाओं को बेचा जा रहा है।
रहा है और इसी की हमको आशंका थी। महापौर जी है, उनकी नीति स्पष्ट नहीं है, उनकी जो नीयत है वो विकास की नहीं तबाही की है, जो उनके इस कृत्य से प्रदर्शित हो रहा है। शहर की जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठने के बजाय वे उन्हें गर्त में ढकेल रहे हैं। आज शहर में जो अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल बना है, इंडोर स्टेडियम बना है, ऑक्सीजोन बना है, हमने इनका भी निर्माण देखा है, जो शहर की रौनकता में चार चांद लगा रहे हैं। महापौर जी ने शहर की जनता के साथ छल किया है, धोखा किया है। आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम जनता को ये दिखाने आए हैं कि उनके साथ किस प्रकार का धोखा हो रहा है और इन धोखेबाजों को जरूर समय आने पर जवाब दिया जाएगा। हमको महापौर के इस कृत्य की पूरी आशंका थी और वही सच साबित हो रहा है कि एक साजिश के तहत शहर की जमीनों को भू माफियाओं को आवंटित किया जा रहा है। पूरी स्मार्ट सिटी, हरियर सिटी से लेकर के खोखला सिटी बन रहे हैं। देखिए, पूरा खोखला हो गया है। पहले आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, सामने उद्यान है उसको बेच दिया गया, उतने में भी उनका मन नहीं भरा तो रायपुर शहर के अन्य उद्यानों को बेचा गया। अब उतने में भी उनका मन नहीं भर रहा है तो डंके की चोट पर वो कहते हैं कि रायपुर शहर में जहाँ भी खाली भूखंड होगा हम उसको बेचेंगे। क्या इस प्रकार विकास होता है? जनता को, शहर को पूरा खोखला कर रहे हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे, जहाँ तक हमको जाना पड़ेगा हम जाएंगे।